उठ गया बेटा? क्यों, क्या हुआ? नहीं बेटा, तुमको पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना है। ये छोटे मोटे पेट के दर्द के लिए स्कूल की छुट्टी करोगे ये ठीक नहीं है। नहीं बोला ना, चाय बना के अंदर रख दी है, चाय पी लेना। और रोटियां भी अंदर है, सब्जी बना रहा हूँ मैं। और बाबा को उठा देना, उनको भी काम पर जाना है। नहीं बोला ना बेटा, ये छोटे मोटे दर्द के लिए छुट्टी करोगे तो कैसे आगे चल के बड़े इंसान बनोगे तुम? नहीं बोला एक बार, जाओ उठो और अंदर जाके पापा को उठा दो। पापा ने खाना बना दिया आपको, पापा ने बोला कि आपको काम पे भी जाना है। तो बता ठीक है। मेरे दोस्त के पास एक वीडियो गेम है। नहीं बेटा, ये वीडियो गेम तो अमीरों के शौक है, हम गरीब कहाँ से वीडियो गेम खेल सकते हैं। और तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जैसे तैसे मेहनत करके तुम्हें पाल रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ। किस लिए? कि तुम पढ़ लिख कर अपने बाबा, मेरा और अपना नाम खूब रोशन करो। और मैं नहीं चाहता कि जैसे इस झोपड़पट्टी में हमारे दिन गुजर रहे हैं, तुम्हारे भी दिन ऐसे गुजरे। पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है? ठीक है पापा। मेरा बेटा। आज तो लेट हो गया बाबा, मैं निकलता हूँ। आप भी निकलिएगा और छोटू को स्कूल ठीक भेज देना, ठीक है? वंदना, तुम्हारे चले जाने के बाद देखो घर की क्या हालत हो गई है। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कुशल को तैयार करना, घर का खाना बनाना, कपड़े धोना, माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ रही है। तुम्हारी बहुत याद आती है। एक-एक बात पे तुम्हारी याद आती है। अगर तुम होती तो मुझे बहुत सहारा मिलता। क्यों चली गई? कैसे मैं किस कुशल को पढ़ाऊं लिखाऊं? क्या करूं? कभी तो हिम्मत टूट जाती है, मगर फिर तुम ही मेरी हिम्मत बनती हो। कैसे मैं कुशल की जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा? मुझे पता नहीं चला, मैं अकेला पड़ गया हूँ। चल कुशल, मैं जा रहा हूँ, बाय। रुको। क्या हुआ?
कि आपका टिफिन भूल गए थे। टिफिन भूल गया। अच्छा मैं निकल रहा हूँ। और सुन, तेरा खाना बना दिया है, खाना खा के ठीक टाइम पे स्कूल चले जाना, और बाबा को भी बोल देना खाना खा के चले जाए, ठीक है? हाँ चलो बाय। बाय पापा। बाय। बाय पापा। बाय। अरे क्या बात है असलम मियां, आज रास्ता कैसे भूल गए? अरे वो क्या है ना, जिधर से मैं आता था उस रास्ते पे काम भी चालू है तो खड्डा विड्डा करके रखा है लोग, इसके लिए मैं आज इधर से जा रहा हूँ। अच्छा और ये सब छोड़ो और बताओ कैसा चल रहा है काम? काम की बात मत पूछो यार, काम कुछ है ही नहीं। और मुझे कुशल को इस अच्छे स्कूल में डालना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए, और काम धंधे का तो कुछ हो ही नहीं रहा, सेठ कुछ काम दे नहीं रहा। चलो टेंशन मत लो, अल्लाह चाहेगा तो सब अच्छा ही होगा। बस क्या उधर डेली देखते रहते हो, वो लोग अच्छा आदमी नहीं है? अरे नहीं नहीं बस ऐसे ही नजर चली जाती। मालूम है आई एम प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छे आदमी बनोगे, बहुत ईमानदार बनोगे, आई लाइक योर ऑनेस्टी मैन। मुझे कुशल को किसी भी हालत में अच्छी शिक्षा देनी है, सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, पढ़ने में अच्छा है, इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, मगर कैसे करूं, कहां से लाऊं इतने पैसे, क्या करूं, कैसे करूं मैं कुशल को किसी भी हालत में पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाऊंगा, एक पैसे वाला इंसान, ताकि जो हालत मुझ पे गुजर रही है उस पे ना गुजरे। मगर कैसे, क्या करूं, कहां से लाऊं इतना पैसा, कौन देगा मुझे इतना पैसा, क्या करूं? बाय बाय। टाइम देने का नहीं चला गया, टाइम लेने के बैठा है 4 साल से धंधे में। हाँ तो खा लिया, मुझे चढ़ गई क्या, ठोक देना चला गया, इतना सोचता क्या तुम ब्रो? पी रे हिसाब से पी, मेरे को मालूम है रे कालिया ये सोना है रे, सर देख कौन है रे तू? मैं वो पीछे वाली बस्ती में रहता हूँ।
आपके वो बड़े भाई साहब से मुझे कुछ बात। भाई साहब कौन है रे बड़े भाई साहब? अरे कालिया, ये अपने खेतान भाई की बात कर रहे ला रे, समझता नहीं है यार तू। रुक इधर। इधर से निकलता है? हाँ साहब। इधर क्या फिर, इधर से रास्ता निकल गया क्या? नहीं साहब। साहब मुझे आपसे थोड़ा पूछना है। बोला यहाँ से क्या रास्ता से निकल दिया गया? क्या प्रॉफिट मिलेगा मेरे को ये बता। मेरे को सिर्फ प्रॉफिट का बात समझ में आता है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। सब मैं भी मेहनत करके आपके पैसे 6 महीने में लौटा दूंगा। चले टाइम के खोटी मत कर। चल साहब ऐसा मत करो साहब, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास पैसे लेने। अरे भाई ये क्या पैसा दे पाएगा आपको? ऐसा लगता है? नहीं साहब, मैं एक एक पाए तुम्हारे लौटा दूंगा। 6 महीने के अंदर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मेरी मदद कर दो साहब, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे मत मना करो, मत पढ़ो आपके पैर पड़ना भाई, इसके चक्कर में मत पढ़ो पढ़ना। आप सुन, तेरे को मैं पैसा देता हूँ। कितने टाइम में देगा? 6 महीने के अंदर मैं पैसे लौटा। सोच समझ के, शैतान को शैतान बनने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं ठीक है साहब, मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारी पाँच पाँच चौंका दूंगा। बस मेरी अभी मदद कर दो। आए भी कुछ नहीं करते। ले जिंगू ले पैसा और चल निकल। धन्यवाद साहब। टाइम पे पहुंचा देना। हाँ साहब, इस बार दिवाली में बोनस मिलेगी ना, आपके पूरे पैसे मैं लौटा दूंगा। अच्छा कुशल, मैं निकल रहा हूँ। अरे क्या हुआ? मेरा स्कूल का आज पहला दिन है, मेरे को तो स्कूल छोड़ने दो। खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। मेरा नाम, अपने बाबा का नाम और अपना नाम रोशन कर देना, ठीक है? आज पहला दिन है ना तुम्हारा स्कूल का, लेट नहीं होना चाहिए। चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ।
अगर आप चिंता मत करो, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। दिवाली में बोनस होगा ना, तो उस टाइम पे मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। सर देख, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को मेरे पैसे का मतलब है। आज दिन में नहीं हुए, 6 महीने का ड्यूटी है मुझे, ये टाइम पे मिला तो समझने खत्म नहीं को खत्म कर जाती। हाँ सर, मुझे जहाँ चले चल। सेठ ने सिर्फ पगार दी है, अब बोनस तो दिया नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा है इस पगार में कैसे घर चलाऊं, कैसे कुशल की पढ़ाई लिखाई का खर्चा करूं, कैसे कर्जा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ना यार इस अंधा है क्या? दिखता नहीं है? माफ करना भाई। कहाँ कहाँ से चले आप? अरे साड़ा मन ले लें? नहीं नहीं भाई, हुआ ये कि जिस कंपनी में मैं काम पे था ना, काम कम होने की वजह से सेठ ने कंपनी बंद कर दी और बोनस भी दिया नहीं, इसीलिए मैं आपका पैसा टाइम पे नहीं लौटा पाई। भाई ये क्या राग रतन दे रहे हैं, बोले तो इसको 3-4 फंकाओ क्या? नहीं साहब, थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं टाइम पर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अरे राम, लेकिन तू जबान का पक्का है ना? चल अभी इतना बंकस नहीं मांगता है, जल्दी जल्दी रोकड़ा के दर्शन करा चल। क्या भाई तुम इसकी बातों में आ रहे यार, बता ना खोपड़ी में ठोकू इसके। रुक रे ठंडा कर रहे। देखो भाई, ये आपके आदमी लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मैं पुलिस की बात कर रहा है।
देखो किधर पड़ा है। अरे विवेक, अरे विवेक ये देख ले यार, ये तो अपने गली का राम है यार, जानते है। अरे यार इसने मर्डर कर दिया यार, विवेक। अरे यार चल 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 इसके बारे में बता दे। मम्मी भी छोड़ के चले गए, आप भी छोड़ के जा रहे हो। उठो ना प्लीज पापा, मैं आ रही हूं आपकी बात करने। अरे चाचा बाबा, चाचा बाबा, क्या हो गया बाबा? देखा देखा आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने देखा किस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। कौन देगा इसको सहारा, कौन पालेगा? इसका एक ही सहारा था, इसका पिताजी, वो भी चले गया। इसकी माँ के गुजरने के बाद इसको पालने वाला कोई नहीं था, ये एक ही बंदा था जो इसे पाल रहा था, और उसका चाचा भी गुजर गया यानी लड़के का पापा। अब क्या होगा इसका भविष्य? क्या इसमें हम समाज को दोष दे सकते हैं, लोगों को दोष दे सकते हैं? नहीं, ये हमारी प्रकृति का नियम है, जो गरीब है इसी तरह जीता है। हम इसमें किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर किसी की सोच होती है, हर माता पिता की सोच होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, एक अच्छा ईमानदार पैसे वाला व्यक्ति बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गरीबों को नहीं मिलने के कारण ऐसी दुर्घटनाएँ आज लाखों गाँव घरों में होती है, और इसका दुष्परिणाम इसी तरह कुछ होता है जिसमें बच्चे अनाथ हो जाते हैं। गरीबी, पैसा का कर्ज, ये वो काफ़ी कुछ दुनियादारी। हमारे इस वीडियो बनाने का कारण यही है कि जिस प्रकार इस वीडियो में दिखाया गया है ऐसी दुर्घटनाएं लोगों के साथ में होती है, तो लोग सोचे समझे और इस बात को सतर्क रखे कि ऐसा हमारे समाज में ना हो। इसलिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।